जी गाइस, आज की हमारी रेसिपी चिकन कोरमा, वाइट वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी दे रहा हूँ आपको, ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ, जो शादी ब्याहों में बनाया जाता है उससे भी काफ़ी बेहतर होगा। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन इंसारी, आप देख रहे हैं लाहौर फूड। आज हम वाइट चिकन कोरमे की रेसिपी देंगे आपको, जो शादी ब्याह में बनाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, और रेसिपी शुरू करते हैं और आपके साथ मैं शेयर करता हूं रेसिपी। सबसे पहले जी, यहां पे 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, ये वज़न है, साफ़ी वज़न है, ये 1.5 किलो वज़न है। और यहाँ पे 150 ग्राम मेरे पास घी है, ये घी है, ऑयल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आप ऑयल खाते हो तो ऑयल में तैयार कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी इलायची है, और कुछ ये काली मिर्ची है मेरे पास साबत, कुछ लौंग लिए गए हैं, 8-10 लौंग हैं, 4 सब्ज इलायची है मेरे पास, 2 यहाँ पे दालचीनी के पीस हैं, और 2 तेज़पात है मेरे पास, शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट के लिए इनको रोस्ट करेंगे सिर्फ, और सिर्फ 1 बादियान का फूना ये भी शामिल कर देंगे, 1 फूल काफ़ी है इसके लिए, खुशबू के लिए। और 1 मिनट के रोस्ट कर लेने के बाद सिर्फ प्याज शामिल करेंगे। 1 मिनट रोस्ट कर लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास 4 अदद छोटी साइज़ के प्याज थे, दरमियानी साइज़ के, और जिनको मैंने चॉप कर लिया अच्छे तरीके से, शामिल कर देंगे। चॉप करके डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याद रहे यहाँ पे प्याज जो है हम ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ प्याज़ों का कच्चापन मैंने दूर करना है। जैसे अक्सर रेसिपी में प्याज़ों को ब्राउन किया जाता है, सुनहरी सुनहरी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं इसमें करेंगे, सिर्फ कच्चापन दूर करना है, जो कि यहाँ 1-2 मिनट में तकरीबन हो चुका है। उसके बाद 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन अदरक के कच्चेपन को भी दूर करेंगे, और यहाँ पे जो प्याज़ों का कच्चापन था मैं दूर कर चुका हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्याज़ों का कलर चेंज नहीं करेंगे इसमें, प्याज़ हमने ब्राउन नहीं करने, तो यहाँ पे ये चिकन जो है डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको इसमें मैं फ्राई करेंगे घी के अंदर। यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मैंने जो घी के अंदर ये फ्राई कर रहा हूँ चिकन को, और इसके बाद चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे ले जाऊंगा, तो दही इसमें शामिल की जाएगी। यहाँ पे 300 ग्राम मेरे पास दही है, जिसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे दही का जो कच्चापन था दूर हो चुका है, चूल्हे का फ्लेम जो है मैं अब तेज़ कर लूँगा, मीडियम पे था, अब तेज़ कर लिया मैंने यहाँ पे। आपने देखा कि इसमें सिर्फ मैंने खड़े मसाले शामिल किए, अभी कोई भी इसमें मसाला जो है मैंने शामिल नहीं किया। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं नमक का शामिल करूँगा, नमक की वजह से ये पानी छोड़ेगा दही भी, और इसी पानी में ये मुर्गी हमारी गल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके साथ ही वाइट पेपर है, ये वाइट पेपर 1 टेबल स्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइट पेपर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं मौजूद तो आप ब्लैक पेपर इसमें शामिल कर दीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं, ये भी वैसे ही होती है जैसे कि ब्लैक पेपर है, तो इसी वजह से वाइट डाली जाती है, क्योंकि वाइट कोरमा बन रहा है तो ब्लैक की तरफ काला काला ना हो जाए ये मसाला हमारा, तो बाकी ऐसा कोई मसला नहीं होता। अब ये दही ने भी पानी छोड़ दिया, जो मैंने नमक डाला है इसमें उसने भी पानी छोड़ा, तो इसी पानी के अंदर हमारी मुर्गी गल जाएगी, ताकि मैंने 7 से 8 मिनट पहले इसकी बनाई भी कर चुका हूँ मैं। और यहाँ पे ऊपर से मैं बंद कर दूँगा, चूल्हे का फ्लेम मीडियम पे ले जाऊँगा, और मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि हमारा ये अच्छे तरीके से जो चिकन है टेंडर हो जाए। और जो चैनल पे नए हैं देखने वाले, उनको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जल्द जल्द मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आई है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं यहाँ पे, जो दही डाली गई थी उसी के पानी के अंदर अच्छे तरीके से गल चुका है। इसकी शक्ल नज़र आ रही बोटियों की, अभी चेक कर लेंगे। और यहाँ पे इस मौके पे यहाँ पे मैं डालूँगा, मेरे पास कोई 10 दाने बादाम के थे और 10 काजू थे जिनको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, और कोई कोई दाना बीच में रह गया नज़र आ रहा है आपको, कोई मसला नहीं इसका, तो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम और काजू की 3 मिनट तक बनाई कर लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये क्रीम है, 200 ग्राम क्रीम है, शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुली क्रीम थी, अगर आपको डिब्बा मिलता है डिब्बा डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो घर में बलाई है जो आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हो। क्रीम डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास मिर्चें हैं कुछ जो मैंने काट ली हैं, सेंटर में से दरमियान में से धोकर ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और धनिया इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होता, याद रहे। और ये मिर्चें जो हैं बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी मिर्चें। और यहाँ पे क्रीम डाल के ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, सिर्फ 5-6 मिनट के लिए हल्की आंच पे बंद कर देंगे, दम दे देंगे इसको ताकि घी हमारा ऊपर आ जाए इसका सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल अलहदा हो चुका है यहाँ पे, तो एक मरतबा इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और आखिर पे थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल करूँगा, बिल्कुल थोड़ा, और उसके बाद ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाएँगे ताकि कलर हमारा जो बरकरार रहना चाहिए वो कलर बिल्कुल अच्छा कलर है, ठीक है। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर है शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो ब्लैक पेपर, और वाइट पेपर जो डाली गई वो भी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो। बिस्मिल्लाह। अदरक है थोड़ा, गार्निश के लिए ऊपर डाल देंगे और डिश आउट करेंगे। तो डिश आउट करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हो ग्रेवी इसकी, दिखाता हूँ आपको मैं, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी। और बोटी ये टूटना शुरू हो चुकी है, ये देखें कि बिल्कुल गल चुका है हमारा यहाँ पे, ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। जी मैं क्लोज से डिश आउट कर दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। जी गाइस, ये थी मेरी आज की रेसिपी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों अजीज़ों फैमिली मेम्बर के साथ। वापस आएंगे किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। यही इंसानियत है और यही इंसानियत का तकाज़ा। यासिन सारी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।